ये देखिए कि हम आपको गुलाब के फूल का बॉर्डर बनाना से बताएंगे। और देखिए इसमें आप इस बॉर्डर की जगह आप इन्हें ऊपर तक भी बना सकते हैं, पूरे स्वेटर या जो भी कुछ आपको स्वेटर जैसी जो बनाना है बच्चों का, उसमें बस यही करना होता है कि यहाँ ऊपर जाके सिलाई धर के निकाल के फिर ऊपर से बनाना शुरू होता है। अगर बॉर्डर बॉर्डर में डालना है तो उस तरह ही करना है। ठीक, ये देखिए हमने ये छोटा सा बॉर्डर बनाया है। नीचे आप जैसे अभी बंद फलिका या खुली फलिका बनाना चाहते हो बना सकते हैं। एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। और अब हम इसमें पत्ती बनाने के लिए ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए ये जो छठा फंदा आता है हमें इसमें इसे ग्रीन कलर शुरू करना है। एक, दो, तीन और एक चार। देखिए मैंने चार धागे लिए हैं और मैं इसे पीछे फंदे को निकाल लूँगी। और फिर अब हम वाइट कलर से बनाएंगे। फिर से हम पांच फंदे बनाएंगे, सफेद रंग के फंदे हम पांच से बनाएंगे, चार और एक ये पांच। और इस छठे फंदे में हम फिर एक, दो, तीन और एक ये चार। आप मोटी पत्ती बनाना चाहें ज़्यादा बार भी बना सकते हैं। और हम फिर से पांच फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। हमें हर बार इसी तरह करना है। एक एक फंदे में को पांच बार निकालना है धागा के पीछे लेके जाके। और एक ये चार। और अब हम धागे को पीछे करेंगे और पीछे करने के बाद हम फिर से इसी तरह पांच फंदे वाइट कलर के बनाएंगे। आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है आप उतने फंदे डाल के बनाएं, पांच फंदे बीच में लेके। और फिर हम इस फंदे को फिर से बनाएंगे। एक, दो, तीन और एक ही चार। ये हमारा चार बार हो गया। और अब हम इस फंदे को उतार देते हैं इस तरह। फिर हम इसमें पांच फंदे बनाएंगे। आप जितने फूल डालना चाहें उतने ही फूल देंगे, इस तरह डाल सकते हैं, एक दो भी डाल सकते हैं अगर कोई वो नहीं है फूल बनाने के बाद। अब हम पीछे से आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फंदे हम जो सफ़ेद रंग के हैं उन्हें इसी तरह बनाना है उल्टी सिलाई पे। ये देखिए। और ये जो हमने चार फंदे बनाए थे इन्हें हमें इस तरह उतार लेना है इस वाली सिलाई पे। और जब हम इस सफ़ेद इधर की वाइट फंदे सफ़ेद फंदे को लेंगे तो देखिए इस धागे को इसके नीचे से लेके इस तरह लेके जाना है उधर, जिससे ये इस तरह हो जाए। और ये धागा भी हम हरा उधर के साइड में लेके जाएंगे। हर बार हमें इसी तरह करना है। ये उतार लिया हमने और इसे इस तरह लेना है। और फिर से हम इन्हें इधर वाली सिलाई में उतार लेंगे। और फिर इसे धागे को देखिए धागा हमारा आ रहा है और इस सफ़ेद धागे से इसके ऊपर से बंद हो रहा है। ये देखिए हर बार हमें इसी तरह करना है। इधर आगे
और ये धागा हमने इस तरह ले लिया, ये देखिए, और इसे बना लिया। अब हम 5 फंदे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी, अब हमें पत्ती बनाएंगे। ये 5 फंदे हम 3 फंदे बनाएंगे हम। ये देखिए, 3 फंदे बना लिए हमने, 3 फंदे सफ़ेद के बना लिए। अब हम ये 2 फंदे इधर की साइड उतारेंगे और 2 फंदे हम ये इसके उतार देंगे। देखिए, 2 फंदे हम इसके पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह, ये लेके आगे हम, और ये 2 फंदे हम इधर की साइड से ले आए। अब देखिए, ये जो 2 फंदे हैं हमारे, एक सफ़ेद फंदे के साथ में हम इसे इस तरह बना लेंगे। ये बन गया, एक सफ़ेद फंदा बनाएंगे हम, ये बन गया, और एक हम इनके बीच में से फंदा उठा लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस फंदे को इधर करा और अब हम इसे बना देंगे। ये देखिए, क्योंकि ये फंदा जो है जिसमें हमें लिया है, ये घट जाएगा, और 2 फंदे अब हम इधर की साइड में लाएंगे और ये पीछे की सिलाई में भर लेंगे, और अगली तरफ से हम फिर इन्हें इस तरह लेंगे। ये 2 फंदे जो हैं, एक फंदा हम यहाँ बना लेंगे, और जो ये 2 फंदे हैं इन्हें हम इन 2 हरे फंदों के साथ बना देंगे। ये देखिए, ये हमारी पत्ती तैयार होगी, और अब एक फंदा हम इधर के साइड से बना देंगे। अगर आप इन पत्तियों को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। ये एक पत्ती हमारी तैयार होगी, अब हम दूसरी पत्ती बना रहे हैं। अब ये जो हमारे 2 फंदे बचे हुए हैं, इन्हें हम इस तरफ लेके जाएंगे। देखिए, हर बार इसी तरह करना है पत्ती में। ये हमने इसे बना लिया, यहाँ पर एक फंदा हमने ये बना लिया, और एक ये फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, और इस फंदे को हम उठा के बना देंगे। और अब हम 2 फंदे इधर की साइड से उतारेंगे, सुई ने पीछे की साइड लेना है। और इन्हें इधर की साइड में पहना है। ये देखिए, इस फंदे को भी हम बना लेंगे, और ये जो 3 फंदे हो गए हमारे, फंदा एक ही है, 2 हरे हैं, ये इन्हें हम इस तरह बना देंगे। ये हमारी पत्ती बन गई, और फिर एक फंदा बना लेंगे हम। देखिए, हमने इधर से उतार लिया है फंदों को, पीछे की साइड में लेंगे, और अब हम इन फंदों को इधर से ले जाएंगे, और अब हमने इन्हें इस तरह बना लिया। एक फंदा हमने इधर बना लिया बीच में। अब हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे बीच में से इन सबसे, और उस फंदे को भी हम इस तरह बना लेंगे। और तो 2 फंदे ये हम इधर लेके जाएंगे पीछे की तरफ, और ये जो हमारी पत्ती है इन्हें हम इस तरह, एक फंदा हम बीच में इस तरह बना लेंगे, और एक फंदे के साथ हम बीच हैं इन्हें इस तरह उतार देंगे। ये देखिए, ये हमारी पत्तियाँ बन गई हैं, और अब हम ये 5 फंदे ये इस तरह ही बना देंगे। अब देखिए, हमने ये पत्तियाँ तो बना ली, ये हमारी पत्तियाँ तैयार होगी बनके, और अब हम ये पीछे की सिलाई निकाल लेंगे। देखिए, ये हम पीछे की सिलाई इस तरह से ही पूरी व्हाइट कलर की ही निकाल, ये सफ़ेद रंग की ही निकाल लेंगे,
और ये पत्तियाँ तुम्हारी। हमें ये सब फंदे इसी तरह बनाने हैं। देखिए हमारे पीछे की सिलाई कंप्लीट होगी। ये देखिए हमने पीछे की सिलाई तो निकाल ली और अब हम फूल बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहले हम सफ़ेद बना लेते हैं फंदे, चार और ये पांच फंदे हमने बना लिए हैं और अब हम इसमें यहाँ से दूसरा रंग लगाएंगे। आप लाल जिस तरह का भी फूल बनाना चाहें आप उसी तरह का लगा सकते हैं। देखिए मैं इसमें गांठ ही मार देती हूँ तो फिर खुल जाए। ओके में ये देखिए एक हमने ये ले लिया और फिर आगे धागा किया, फिर हमने दूसरा बना लिया, फिर हमने पीछे धागा करके तीसरा बना लिया, आगे धागा करके हमने चौथा बना लिया और पांचवा धागा करके हमने इस तरह छठा बना लिया। और अब मैं एक और बनाऊंगी। अब हमने ये सातवा बना लिया और हमने इससे धागे को उतार दिया। देखिए ये हमारे तीन चार पाँच और छः हुए हैं। अब हम इसमें एक और बना लेते हैं, इसे थोड़ा ढीला छोड़ दें धागे को और ये सात बन गए हमारे यहाँ पर। और फिर हम इन्हें इधर की सिलाई में उतार लेंगे। देखिए फूल यहाँ का यहीं पर कंप्लीट होगा और जब हम दूसरा फूल बना पाएंगे आगे तभी बढ़ना है हमें। अब मैं इन्हें इस तरह बनाती हूँ, इस तरह हम फली बनाते हैं, एक दो और देखिए ये तीन चार पाँच और एक ये छः और एक ये सात। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा फूल बनाना है तो, किसी कढ़ाई में है किसी। अब मैं फिर देखिए मैंने इन्हें इधर बना लिया है और फिर मैं अब इन्हें इधर की साइड में उतारूंगी। ये सारे फंदे मैं इधर उतार लूँगी इधर की तरफ। देखिए मैंने उतार लिया इन्हें और मैं फिर इन्हें इसी तरह बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच और एक ये छः और ये पूरे सात। ये देखिए ये हमारे हमने दोबारा से बना दिया ने, ये देखिए ये इस तरह बनेगा। अब हम फिर से इससे इधर की इस तरफ की उतारेंगे। ये हमने पूरे सात फंदे इधर उतार लिए गुलाब फूल के और अब मैं इसमें से ये देखिए मैं इसके ये चार फंदे लूँगी मैं शुरू में और ये चार फंदे लूँगी मैं इसे। इस तरह मैंने चार फंदे ले लिए पहले, ये देखिए, और मैं इस धागे से ही अभी ने बनाऊंगी। ये धागा थोड़ा केड़ा सा निकलता है। देखिए निकल गया और अब मैंने इसे इस तरह खींच दिया और ये तीन फंदे हमारे बचे हुए हैं, इन्हें थोड़ा इस तरह ढीला कर लें ताकि इधर की तरफ से सिलाई अंदर से जा सके। और फिर इन्हें भी हम इस तरह बना लेंगे, ये देखिए बन के आगे। और अब हम ये जो फंदा है इधर का, इस फंदे को हमें इस फंदे को इसके ऊपर से उतारना है जो बाद में बनाते हैं। ये देखिए ये उतर गया
और अब हमने इसे खींचते हैं। देखिए हमारा फूल बन के बिल्कुल तैयार हो गया और अब हम आगे से बनाएंगे। अब मैं सफ़ेद रंग से बनाऊंगी। पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। देखिए मैं दूसरा फूल बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मेरा फूल बन के तैयार हो गया और मैं आपको ये पांच दूसरा फूल भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए दो फूल बना लिए हैं और ये पांच फंदे बना के अब हम इस बीच के फंदे में से फिर से फूल बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात। और अब हम इस फंदे को यहीं उतार देंगे। सात हो गए हमारे और अब हम इसे इधर उतार लेंगे, सात के सात फंदों को। एक फंदे में हमने सात फंदे बनाए हैं और अब हम इन्हें इस तरह फली की तरह बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच और एक ये छः, छः और एक ये सात, ये देखिए मेरे सात फंदे बन गए। और अब हम फिर से इसे इधर की साइड में उतारेंगे। और अब हम इन्हें फिर इसी तरह बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात। हम इसलिए गिनते हैं कभी कोई फंदा बीच में रह गया हो, छूट गया हो, और उसकी वजह से फिर फूल ख़राब होता है, दोबारा से बनाना पड़ता है, इसलिए हम इन्हें गिन लें तो ठीक रहेगा। अब मैं फिर इन्हें इधर उतारूँगी इस सिलाई में। और अब मैं इन्हें चार फंदों को इस तरह लेंगी और इन्हें इस तरह बना लेंगे हम। आप इन्हें इस तरह भी बना सकते हैं इधर, अगर आप इस तरह आपको ठीक लगता है, इस तरह। कहा क्या हमें देखिए और ये हमारे तीन फंदे बच गए। अब हम इन्हें थोड़ा ढीला कर लें और फिर इन्हें भी हम इस तरह बना लें। देखिए ये हमारे बन के आ गए हैं। अब मैं इस फंदे को इधर करूँगी और इस फंदे के अंदर खोलूँगी इधर वाले के। ये देखिए ये हमारा तीसरा फूल बन के तैयार हो गया और अब हम सफ़ेद कलर से बनाएंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उसे ही लगा सकते हैं। कलर की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पसपत्ती हरी बनाएं और तो कलर अपनी पसंद का लगा बना सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। देखिए और फिर से मेरा एक फूल रह रहा है। बस मैंने चार फूल बनाए थे, एक फूल और बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये देखिए सात। ये देखिए हमारे सात फंदे पूरे हो गए हैं और अब मैंने इधर की सारी सात के सात फंदे उतार लूँगी और फिर अब हम इन्हें इस तरह से बना लेंगे। एक बना लिया, दो, तीन, चार, पाँच,
छः और ये हमारा सात, ये हमारे सात फंदे हो गए हैं। अब हम फिर इन्हें इधर की साइड में उतारेंगे। और फिर हम इन्हें इस तरह बना लेंगे। ये हमने दो बार बना लिया और इसे हम इधर उतार लेंगे। और मैं अभी ने चार फंदों को उतार लेती हूँ। थोड़ी कैरे से फंदे निकलते हैं। ये काट दिए हमने चार फंदे और ये तीन फंदे बचे हमारे। इन्हें थोड़ा सा इस तरह ढीला कर ले। और ही नहीं इधर से बना लें। ये देखिए बन गई। और अब हमने इस बंदे की इधर साइड में उतारना है। देखिए बनके तैयार हो गए। हमने चार फूल बनाए हैं, हमारे चार फूल बनके तैयार हो गए। और अब हम इन्हें सफ़ेद कलर से बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें पीछे की सिलाई बनाएंगे। ये पीछे की सिलाई में पूरी सफ़ेद रंग से बनाऊंगी। ये फूल जो बना रखा है हमने इसे भी हमें सफ़ेद कलर से बनाना है। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट होगी ये वाइट कलर की। और ये हमारी इस तरह फूल बन गए। ये हमारी पत्तियाँ बनी हुई हैं और ये हमारे फूल बने। हमारे ये फूल बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।